नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। रीवा जिले में कोरेक्स कारोबार इस कदर से अपनी जड़ें जमा चुका है कि जगह जगह कोरेक्स बिकने की खबर आ रही है, जिन पर पुलिस की होने वाली कार्रवाई पे असर है, क्योंकि आज तक पुलिस मुख्य सरगनाओं का पता लगाने में विफल रही है। इसी तरह से एक बार फिर से हनमना में थाना प्रभारी सैल यादव ने उत्तर प्रदेश बनारस से रीवा की ओर से आने वाले इनोवा कार में छिपा कर लाई जा रही नशीली कफ सिरप को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर में हनमना थाना प्रभारी ने घेराबंदी करके नशीली कफ सिरप के सहित वाहन को जब्त किया है। वही तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वाहन के अंदर 16 बोरियों में 25 से 30 पेटी नशीली कफ सिरप मौजूद है। हालांकि पुलिस के द्वारा नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। SDOP महुगंज नवीन दुबे ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान हनमना पुलिस को कोरेक्स की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा नशीली कप सिरप सहित वाहन जब्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौगन से राजेश दुबे की रिपोर्ट। कल देर शाम थाना प्रभारी हनमना सैल यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि यहां यूपी से कोरेक्स की खेप रीवा की ओर लाई जा रही है। सूचना पाके तत्काल थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी की गई और हनमना से रीवा की ओर जाने वाली रोड पे एक गाड़ी को रोका गया। इनोवा गाड़ी थी और जिसमें लगभग 15-16 पेटी कोरेक्स वहाँ से जब्त हुआ। गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी। जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तो जो वहाँ पे चालक और जो उसके अन्य साथी सहयोगी थे वो पुलिस को देखते ही वहाँ मौके से फरार हो गए। तो गाड़ी और माल जब्त कर लिया गया है और मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी के नंबर के आधार पर पड़ताल की गई। हाँ, गाड़ी को इसमें शामिल किया गया है, जो हमारी विवेचना है उसमें शामिल किया गया है और जो उसमें उसके मालिक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कितनी मात्रा में कोरेक्स है? लगभग 15-16 पेटी कोरेक्स है।